लेकिन विसंगति दूर हो जाए। यही महोदय हैं लोग जो आज गिनती की बात कर रहे हैं, तो हमें पिछड़ी में से निकालते हैं। हमारा नाम एक तो पिछड़ी में गलत डाल दिया, जब एक बार राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को कह दिया कि मझवार है, अनुसूचित में है। तो एक पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी जाति को छेड़ना जो अनुसूचित जाति की सूची में है, उसका केंद्र का काम है। तो बिना संविधान में संशोधन के, बिना पार्लियामेंट में डिबेट के हमारा केवट मल्ला के पिछड़ी में डाल दिया। अब पिछड़ी में डाल के फिर अनुसूचित में डाले, अनुसूचित में बहन जी ने रिश्ते ले लिया। 30 साल से ये जो जातियाँ हैं, ये अतपिछड़ी जातियाँ, इन्हें लटका के इनके नौकरियों पर जो लूट मचाया गया, तो पहले ये तय कर लें कि अतपिछड़ी जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी, अनुसूचित में गिनी जाएंगी कि पिछड़ी में गिनी जाएगी। मैं गिनती का समर्थक हूँ और विसंगति दूर होकर गिनती होनी चाहिए। हमारी सरकार पहल कर रही है, मैं बधाई भी दूंगा कि अभी आप देखिए कि आर्थिक स्थिति राजभर का, केवट मल्ला का भी आदेश हुआ है, इनकी आर्थिक स्थिति पता किया जाए कि इन पिछली सरकारों ने इनके साथ कितना अन्याय किया है, इनको कौन सी योजनाएं दी जाएं जिससे इनके विकास में सुधार मिले। ये हमारी सरकार चिंता कर रही है, हमारी सरकार सोच रही है, इसलिए विकास के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता रहे हैं, तो अब उनकी उनका उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी का एक सिस्टम है, वो कहाँ पहुँचते हैं, क्या करते हैं। हम लोगों ने जो सोचा है, हम लोगों ने इसने सोचा है कि पुनः 2024 में हम लोगों को फिर से एनडीए की सरकार दिल्ली में बननी है। पिछले बार से हम लोग कुछ ज़्यादा ही सीटें जीतेंगे। 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ 18% मछुआरों को लेकर, एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। फिर जो बचा खुचा है, फिर हम 2022 में आपने देखा होगा 37 बार फिर ट्रस्ट किया है। सबको मालूम है कि मछुआ समुदाय के लोग जब मोह भंग हो गया दूसरी पार्टियों से, तो वो कहाँ हैं, और जिसके साथ आज भी 7 पार्टी जुड़ गई, वो आज के दिन में सत्ता में कहाँ। तो हमारा मैं तो है कि मैं जुड़ा हूँ, अटूट गठबंधन है। 2000 अब उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। अगर ऐसे ही नेता रहे तो 4 और भर्ती हो जाए हमारे अधर्मी लोग, तो फिर कहाँ होगा, वो खुद ही याद आ सकते हैं। मैं तो सबसे पहला नेता हूँ जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलता रहा। जब पिछली सरकार, ये लोग जो आज बोल रहे हैं, ये लोग जो गद्दी पर है, इनसे भी मैं बोलता रहा कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जिन जातियों ने देश को आज़ाद कराया, जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, बिखर गए, पाइपलाइन में है, रोड पर है, पॉलीथीन में है, सड़कों पर है, झुग्गी झोपड़ी में है, नदियों के किनारे बह गए हैं, ट्राइबल हो गए, इस पार से उस पार हो गए, घर द्वार छूट गया है, उनको कहाँ रखेंगे। उनको भी तो देंगे कि उन्होंने देश आज़ाद करा दिया, संविधान में सत्ता मिल गया, तो खाली अपने ही कुछ चंगू मंगू का हीरो बनाएंगे। अब बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी। गणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर 1961 में, अगर हिम्मत है तो बोलें, 1961 में भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने सेंसस मैनुअल 1961 दिया था गिनने के लिए कि कौन सी जाति किस में दिया, जाति का समूह है। अनुसूचित जातियों की गिनती 1961 से हो रही है, पहली गिनती से ही है। उसमें एक किताब दिया है, उसमें लिखा है अनुसूचित जातियों का समूह है, और ये जो है ये जातियाँ नहीं हैं, ये समुदाय समूह है जातियों का, और उनकी उपजातियाँ हैं उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार द्वारे, ये चमार भाई में गिने जाएंगे, रजक बरेठा कन्नौजिया धोबी में गिने जाएंगे, तो उसी में लिखा केवट मल्ला बिन ये जो है मझवार में गिने जाएंगे, धीमर जो है तुरैया में गिने जाएंगे, बार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोली 7 नामों से अनुसूचित जात की। देखिए अब उनका क्या कहा जाए, जैसे जनता अस्वीकार कर दी हो, जिनकी जुबान बंद कर दी हो, जब वो कभी सत्ता में थे, कई बार मंत्री रहे, तब तो चश्मे से उनको दिखाई नहीं दिया क्या था, क्या गलत है, क्या सही है। तब तो वहाँ थे, मलाई खाते रहे, कुछ कर नहीं पाए समाज को, कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया, वहाँ से हटना पड़ा। फिर आए हमारे राम, भगवान राम की पूजा किया, बेटी को सांसद बनाया, पर चलते रहे। पता चला जब मंत्रालय लास्ट आ गया, जब ये हुआ कि अब जनता हमें स्वीकार नहीं, मैंने कुछ कह दिया, तो आप देखो कहाँ भाग गए, जहाँ भाग गए उसके आप। तो मैं इतने कहूँगा कि भगवान राम आदर्श है, रामचरितमानस एक मानस है, उस पर हमारे इस भारतीय संस्कृति के लोग आस्था मानते हैं। धर्म के खिलाफ जो बोलता है उसे अधर्मी कहते हैं, और अधर्मी से के लिए शब्द निकालना बोलना उचित नहीं होता। हमारे आज के दिन में हम लोग भगवान राम के समर्थक हैं, उनके आस्थावान से हम लोग जारी हैं, और निषाद राज भगवान राम का जो मिलन है आज के दिन, ये भी तो देखें कि शबरी
का क्या स्थान दिया, निषाद राज को किस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया वो तो कभी नहीं बताएंगे। 18% आबादी निषादों के वोट लेने के लिए उनके पास जाएंगे, कहेंगे भाई कोटा मल्लावा ये है वो है, यही कहते रहे। आज कम से कम इस कोटा मल्लावा कहने वाली पार्टियों को निषाद मछुआरे हटा दिए हैं, अब निषाद राज के वंशज कहने वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ निकल पड़ा। आज ये मछुआ समुदाय इकट्ठा हो गया है, जागरूक हो गया, निषाद राज के किले जयंती मना रहा, तो इसके लिए आज के गुमराह करने के लिए सब बात और कुछ है। भैया को क्या देखिए, हम तो कहते हैं कि देखो राजनीति जो पार्टियां होती हैं कोई लंबे तकम तक कोई दुश्मन होता ना, हम ये सब जो ये लोग नेता हैं ये पार्टी नहीं है, नेता लोग हैं ये अवसरवादी, हम लोग पार्टी हम लोग सिद्धांतों पर चलने वाले लोग, मर्यादित जुबान है, इधर उधर क्या बोल दें क्या नहीं बोल दें तो उस पर क्या कहा जा सकता है। अगर मर्यादित हो जाएंगे और हम लोगों में विचारधारा से मेल खा जाएंगे, जो सोच है अंतिम व्यक्ति की उदय हो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, निषाद पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित है, निर्बल सबल बन जाए वो कैसे बनेगा, विधान बने तो बनेगा नहीं, इनको सबल बनाने की अगर सोच बदल दें तो निश्चित रूप से आप जहां मोदी जी योगी जी हैं वो सिर्फ नेतृत्व का काम भारतीय जनता पार्टी। तो अभी विधानसभा के चुनाव में जैसा आपने कहा बहुत अमर्यादित तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उन्होंने योगी जी और तमाम नेताओं पर की थी ओम प्रकाश राजभर ने, क्या ऐसे में उनको पार्टी भैया सुबह कहीं और चाय पीते हैं, नाश्ता कहीं और करते हैं तो किसी का और साथ मिलते हैं, शाम को पता चला किसी के दरवाजे से कहीं और से निकलते हैं, तो जिसका एक ही दिन में तीन जगह से आते जाते हैं उसको क्या है अस्थायी तो हो जाए फिर देखा जाएगा। और पार्टी है ये काम कौन आएगा कौन की करेगा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सोचते। बुलडोजर की कार्रवाई में दो मौत हो गई कानपुर में, माँ बेटी मर गई, ये दुखद घटना है, उसकी मैं निंदा करता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कैसे मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा उनको उसके तत्काल कार्रवाई हुई और ऐसे लोग जो है और निश्चित रूप से जाँच का विषय है, हमारी सरकार जाँच कोई भी जाँच में पता चलता है दोनों रसूलदार हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं हमारी मीडिया द्वारा, इसलिए बुलडोजर चलता रहेगा या कुछ स्पीड थमेगी? बुलडोजर तो अलग विषय है, हम ये कहेंगे कि इस पर किसी के मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई घटना घटने तो उसे राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें संवेदना करना चाहिए और ये होना चाहिए कि आगे ऐसा न घटना घटे, उसके लिए हम लोगों को कानून बनाने के लिए कहेंगे। हमें विपक्ष को हक है, विपक्ष को हम हक है बोलने का, लेकिन कब कहाँ कैसा बोलना चाहिए वो जगह निर्धारित है और कभी भी इस तरह के संवेदनशील घटनाओं पर आए। अखिलेश यादव को 2024 में कहाँ देख रहे हैं? देखिए वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री रहे और नेता रहे हैं, तो अब वो उनकी विचारधारा उनकी पार्टी का एक सिस्टम है वो कहाँ पहुँचने का करते हैं। हम लोगों ने जो सोचा है हम लोगों ने इसलिए सोचा है कि पुनः 2024 में हम लोगों को एनडीए की सरकार दिल्ली में बननी, पिछले बार से हम लोग कुछ ज़्यादा ही सीटें जीतेंगे, 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी फिर भी मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ 18% में सवारों को लेकर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया, फिर जो बचा सोचा है फिर हम 2022 में आपने देखा होगा 37 बार फिर ट्रस्ट किया है। सबको मालूम है कि मछुआ समुदाय के लोग जब मोह भंग हो गया दूसरी पार्टियों से तो वो कहाँ है और जिसके साथ आज निषाद पार्टी जुड़ गई वो आज के दिल्ली सत्ता में कहा, तो हमारा मैं तो है कि मैं जुड़ा हूँ अटूट गठबंधन है। सपा की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी अब उसके जिम्मेदार वही लोग हैं, अगर ऐसे ही नेता रहे तो चार तो और भक्ति हो जाए कैसे नेता धर्मी लोग यहाँ होगा वो खुद ही आता है। ये बताइए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अभी एक बयान दिया है कि जो जाति संरचना